माननीय सदस्य जो नगर से आ रहे हैं, उन्होंने आज 131 के तहत ये जो पैरा टीचर के संबंध में अपनी बात कही थी, मैं आपके लोगों के माध्यम से भी तमाम जो मदरसा पैरा टीचर हैं उनसे मैं अपील भी करना चाहूँगा कि जो अभी पूरे राजस्थान के अंदर जो तालाबंदी करके बैठे हैं, तो मैं इनसे अपील करता हूँ कि वो सबसे पहले तो ये बच्चों का भविष्य का सवाल है। अभी सत्र शुरू हुआ है शिक्षा का, तो मैं समझता हूँ वो अपना निर्णय वापस लें, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने जो हमारी पार्टी का जो घोषणा पत्र जारी हुआ था, तो उस घोषणा पत्र में हमने जो वादे किए थे, उस वादे के तहत में तमाम जो सुविधा कर्मी हैं, चाहे मदरसा पैरा टीचर है, चाहे NRHM के हैं, या अन्य जो सुविधा कर्मी हैं, उन सब के लिए मुख्यमंत्री जी ने एक मंत्रिमंडल की उप कमेटी बनाई है। उस कमेटी में तमाम सुविधा कर्मियों का निर्णय विचाराधीन है, तो उसके लिए मदरसा जित पैरा टीचर हैं करीबन 6000 के लगभग हैं, उन सबका हमने पूरा डिटेल बना करके उस मंत्रिमंडल कमेटी को हमने वो प्रस्ताव भेज दिया है। और मैं समझता हूँ आने वाले टाइम जैसे ही, क्योंकि दो मीटिंगें हो गई है, और जैसे ही मीटिंग अगली होगी उसमें निर्णय होगा, तो उसमें ये जो पैरा टीचर्स हैं उनका भी साथ में निर्णय हो जाएगा। इसलिए मेरी उन सभी पैरा टीचर्स से अपील है कि वो अपना हड़ताल वापस लें, और आपके लिए सरकार हमेशा चिंतामंद रही है और फिक्रमंद रही है, और आगे भी आप लोगों के जब भी कांग्रेस पार्टी का शासन आया है तो मदरसा पैरा टीचरों के लिए अच्छे कदम उठाएं। 2013 के अंदर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब की जो लास्ट घोषणा थी, उसमें जो तमाम पदों की घोषणा की गई थी, तो पिछली सरकार में 5 साल तक चाहे उर्दू के पद थे चाहे दूसरे पद थे, वो तमाम पद जो हैं 5 साल तक उन्होंने भर्तियाँ नहीं की। तो अभी जो हमने काम करी हमारी सरकार, जो हमने घोषणा पत्र में वादे किए हैं, वो तमाम वादे जो हैं आने वाले टाइम में पूरे होंगे, ये हम आपके जरिए उनको विश्वास देना चाहते हैं। धन्यवाद।